चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर में। कल तो दो क्या अच्छा हाँ हाँ आ जाता है, तुम भी खाओ पियो आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर में। कल थोड़ा छोटा सा लेक्चर हुआ था एक, जिसमें मैंने सिर्फ डिटेल में बताया बताया था थोड़ा सा बस हेडिंग के बारे में। ठीक है, आपका जो लास्ट टॉपिक आपने लिखा था इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल डोसेज फॉर्म। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल डोसेज फॉर्म। डिप्लोमा किस चीज के लिए? डिप्लोमा डिप्लोमा डिग्री किस सब्जेक्ट के लिए है? फिर कैसे पढ़ोगे? कब हुआ एडमिशन? दो ले जाओ, दो ही बुक, दो बुक मिलेगी बस। अरे हल्के बुक दे दो, कोई सी कोई सी। इसका कल तो एडमिशन हुआ, कहाँ पढ़ लेगा यो? कल तो इसका एडमिशन हुआ, कल तो इसका एडमिशन ही हुआ है। बेटा पहले सिलेबस देखो, सब्जेक्ट देखो कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, उसमें ये देखो है क्या क्या, तब बुक्स लेके जाना। अभी तो आपके कुछ समझ में नहीं आने का, कोई बेनिफिट नहीं है। चलो लिखो हेडिंग हुई डली हुई थी हमारी इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म। पेरेंटल डोजेस फॉर्म का जो इवेल्युएशन होता है वो हम किस तरह करते हैं? ठीक है, इवेल्युएशन क्या होता है? जांच पड़ताल कि आपकी चीज सही बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? जो क्योंकि हमने जो बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं लगातार उन्हें पता है, हमने पूरी प्रोसेसिंग पढ़ ली है इसकी। ठीक है, कैसे क्या क्या होता है इसमें? आप सबसे पहले कंटेनर साफ करते हैं, फिर अपने सामान को वेट करते हैं, फिर फिलिंग करते हैं, फिर सीलिंग करते हैं। ठीक है, फिर स्टराइजेशन करते हैं, ये सब था उसमें। और लास्ट में फिर आप इवेल्यूशन करेंगे। जब आपका सामान बन जाता है, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप उसकी जांच पड़ताल ही करेंगे। ठीक है, अब लिखिए इसमें हेडिंग फर्स्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट, STERILITY, स्टेरिलिटी टेस्ट। लिखो द स्टेरिलिटी टेस्ट, द स्टेरिलिटी टेस्ट, STERILITY, द स्टेरिलिटी टेस्ट
इज डन द स्टेरिलिटी टेस्ट इज डन DONE डन एज प्रिस्क्राइब एज प्रिस्क्राइब PRESCRIBE एज प्रिस्क्राइब इन फार्माकोपिया एज प्रिस्क्राइब इन फार्माकोपिया PHARMACOPOEIA फार्माकोपिया। ठीक है, मीन्स जो आप अपना स्टडी टेस्ट है वो कैसे करते हैं, जैसा हमें फार्माकोपिया में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्टेरिलिटी टेस्ट इज डन बाई द स्टेरिलिटी टेस्ट इज डन बाई डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग DETECTING डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ presence of viable 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 form of bacteria VIABLE viable form of bacteria कॉमा फंगी FUNGI फंगी इन प्रिपरेशन ठीक है। जो हम अपना स्टेरिल टेस्ट करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, मैंने कल बताया था कि आपके जो वायबल फॉर्म होती हैं, जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हैं जैसे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, जिसमें आपके क्या आते हैं, आपके बैक्टीरिया फंगस ये, ठीक है, ईस्ट इस तरह के, ठीक है, जो आप अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, तो उनकी डिटेक्टिंग करने के लिए होता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेरिलिटी टेस्ट इज डन द स्टेरिलिटी टेस्ट इज डन अंडर अंडर असेप्टिक कंडीशन ASEPTIC अंडर असेप्टिक कंडीशन। The sterility test is done under aseptic condition. Next point लिखो। The sterility test. The sterility test. is carried out CARRIED the sterility test is carried out by membrane filtration method ऐसे लिखो, सॉरी आपने लिखा है ना carried out by के आगे डैश लगा दो और फर्स्ट पॉइंट लिखो, by के आगे डैश लगा दो और ब्लैक पेन से लिखो या जैसे भी आपको लिखना है पॉइंट करके, फर्स्ट membrane filtration method membrane 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 filtration method second direct inoculation method DIRECT direct inoculation method INOCULATION डायरेक्ट इन
इनोकुलेशन मेथड। देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में तो आपको मुझे पता है कुछ नहीं आया होगा, ठीक है। देखो स्टिलिड रेस्ट क्या है, सबसे पहले तो बस ये पता करना है कि हमें क्या करते हैं, हम किसको डिटेक्ट करते हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, जैसे आपके फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ईस्ट, इन सबको आप डिटेक्ट करते हैं। फिर हम करते कैसे हैं इसको, हम करते किससे, हम इसको मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड से करते हैं या फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड से करते हैं। हम करते क्या है देखो, अगर आपको सीधी सीधी बात सोचना, अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हो, अगर आपको पानी पीते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पानी से आपकी प्यास बुझेगी, जाहिर सी बात है ना, उस पानी पानी से ही आपकी प्यास बुझेगी। तो अगर किसी कोई भी आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहां पे ये ग्रोथ करता है तो क्या होगा, या फिर जैसे सपोज आपका, अब जैसे सर्दी का मौसम हो रहा है तो आपका मसूरी घूमने का मन है ना, होगा बहुत होगा, ठीक है, तो अब आप मसूरी में चले जाओ, आपको कैसा लगेगा बताइए, है ना, हाँ अच्छा लगेगा। तो वही बात यहाँ पे है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर इनको, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमने जो ये प्रिपरेशन अपनी बनाई है इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो आप इसको चेक कैसे करोगे, आप इसमें से छोटा सा सैंपल लोगे और इधर डाल दोगे। इधर क्यों डालोगे, इधर क्या है, इधर ऐसा एनवायरनमेंट है कि अगर इसमें वो चीज़ प्रेजेंट थी तो वो यहाँ पे आके ग्रो कर जाएगी। जैसे अगर मैं सिंपल सी छोटी सी बात कहूँ, एक आप पेड़ का बीज लगाते हैं, छोटी सी जड़ लगाते हैं, वो पेड़ बड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उससे उसका एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे। अगर उसमें आप खाद मिट्टी वगैरह नहीं डालेंगे तो वो मर जाएगा, मुरझा के टूट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्टेरिलिटी टेस्ट हम चेक कैसे करते हैं, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें से हम हल्का सा सैंपल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम चेक करते हैं कि हमारे सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक अलग से ऐसा एनवायरमेंट बनाते हैं, अलग से ऐसा एनवायरमेंट बनाते हैं, ये हम खुद बनाते हैं कि अगर आप इसमें वो सैंपल डालेंगे, ठीक है, अगर उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है तो वो ग्रोथ करनी शुरू कर देगी, और अगर उसने ग्रोथ करनी शुरू कर दी तो यानी कि आपके सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और आपने जो बनाया है वो खराब है। सिंपल सा ये है आपका क्या, स्टेरिलिटी टेस्ट, समझ में आया, ठीक है, बहुत सिंपल है। सेकेंड लिखो क्लैरिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, CLARITY, क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट मैंने कल बताया था क्या, कि आप क्लैरिटी चेक करते हैं इसकी कि फॉरेन पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। लिखो क्लैरिटी टेस्ट इज परफॉर्म, CLARITY, Clarity test is performed, PERFORMED. Clarity test is performed, to confirm, CONFIRM, to confirm the presence of foreign particle,